हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो कल हमने पढ़ा था पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस आपने पता चल गया होगा कि किस तरीके से पास्ट टेंस में हम कौन से सेंटेंसेस को इंक्लूड करते हैं। तो टुडे आवर टॉपिक इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस, यू ऑल नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस, दैट इज द प्रोग्रेसिव। पास्ट कंटिन्यूअस को हम एक चीज एक नाम से और बुलाते हैं, पास्ट प्रोग्रेसिव। मतलब जहाँ भी कंटिन्यूअस टेंस है वहाँ हम प्रोग्रेसिव भी लगा सकते हैं। प्रोग्रेसिव मीन्स जो प्रोग्रेस में है, दैट इज गोइंग ऑन, जो भी हो रहा है। तो ये क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस, जो पास्ट में हो रहा था, दैट हैपन्ड इन द पास्ट। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस टेल्स अस अबाउट द दैट एक्शन दैट हैपन्ड इन द पास्ट एंड एंड इन द सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। और जो एंड हुआ है किसी कुछ टाइम पे, जो पास्ट में हो रहा था और कहीं एंड हो गया उसका पास्ट में, तो दैट इज द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो पास्ट में आप पास्ट तो आप पहले ही समझते हैं कि जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि पास्ट टेंस क्या होता है, जो भी एक्शन पास्ट में हो चुका है, हो गया है। तो जैसे वो दिल्ली गया था, ही वेंट टू दिल्ली। जैसे वो स्कूल गया था, ही वेंट टू स्कूल। उसने खाना खाया था, ही एट फूड, ही एट मील। तो इस तरह के सेंटेंसेस पास्ट टेंस में और पास्ट कंटिन्यूअस में जो हो रहा था, पहले जो कर रहा था। जैसे ही वॉज लॉफिंग वेरी लाउडली, वो बहुत ही जोर जोर से हंस रहा था। कोई भी बात हो रही होगी और वो बोल रहा है उस बात पे कि उस टाइम पे वो जो था, एट दैट टाइम ही वॉज लॉफिंग वेरी ही वॉज लॉफिंग वेरी लाउडली। ठीक है, तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। अब इसके अंदर रूल बनाएंगे, कोई रूल होगा तभी तो क्या होगा, रूल बनेगा तभी तो हम सेंटेंस फॉर्मेशन कर पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रूल, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर, देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया। सब्जेक्ट मीन्स जो भी आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होगा। अब आपको पता होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने इज एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज किए थे, लेकिन पास्ट में हम यूज करते हैं वॉज और वर, एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब वॉज और वर जो है, दैट शोज द पास्ट एक्शन। जो किसको शो करते हैं? पास्ट एक्शन को। जैसे ही वॉज ईटिंग मील वेन, जब भी आप गए होंगे, जब कोई भी बात, कोई भी एक्शन आप सेकंड कोई भी जोड़ सकते हैं। ही वॉज ईटिंग हिज फूड, वो अपना खाना खा रहा था। ठीक है, तो ये वॉज लगाया क्यों? क्योंकि मैं पास्ट की बात कर रही हूँ कि जब मैं गया तो वो अपना खाना खा रहा था। ठीक है, तो ये इस तरह से सेंटेंस फॉर्मेशन होगी। मैं आपको बता देती हूँ, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा था। अब देखिए आपको वॉज किस किस के साथ लगाना है। जैसे आपका आई के साथ वॉज आता है, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, और किसी भी सिंगुलर नेम के साथ आपका वॉज आएगा। और वी, यू, आगे दे, इन सब के साथ आपका वर आएगा, बिकॉज दे आर प्लूरल सब्जेक्ट। ओके, और प्लूरल के साथ आपका वर आएगा, जैसे वहां पे आर आता था, और यहाँ आपका सिंगुलर के साथ वॉज आएगा, और आई के साथ भी वॉज ही आएगा, लेकिन वहां पे आपका आई के साथ ही सिर्फ एम आता था, बाकी सभी के साथ इज और आर आता था। ओके, तो आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा था। अब उसके बाद हम बनाते हैं, दे वर प्लेइंग इन द गार्डन, वो गार्डन में खेल रहे थे। ठीक है, जब भी आपने उनको देखा होगा, जहां आप बाहर से गुजर रहे होंगे, तो आप बोल रहे हैं दे वर प्लेइंग इन द गार्डन, वो गार्डन में खेल रहे होंगे। तो हेयर आई एम यूजिंग द वर्ब बिकॉज, वर क्यों हेल्पिंग वर्ब यूज किया? बिकॉज दे इज द प्लूरल सब्जेक्ट, तभी तो वर आया। ठीक है, अब आई सिंगुलर था तो आई के साथ वॉज आ गया। तो दिस आर द सेंटेंस फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसका आप क्वेश्चन भी बना सकते हैं। आप वर को बाहर निकाल लीजिए, जैसे
वर्दे वर दे प्लेइंग इन द गार्डन, दिस इज द क्वेश्चन मार्क। वर दे प्लेइंग इन द गार्डन, क्या वो गार्डन में खेल रहे थे? ये दिस इज द क्वेश्चन, ही इज आस्किंग अ क्वेश्चन, मे बी समवन इज आस्किंग अ क्वेश्चन, तो दैट इज द वर दे प्लेइंग इन द गार्डन। तो दे ये इंटेरोगेटिव बन गया आपका, दिस वन इज द पॉजिटिव एंड दिस वन इज द इंटेरोगेटिव। एंड द अब हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे। वॉज ही नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं जा रहा था? ठीक है, दिस इज द इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, पास्ट कंटिन्यूस। आप अपनी जो रेगुलर कन्वर्सेशन आप देखना, उसमें भी आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चनिंग जो है वो पुट करते हो, नेगेटिव वाली, इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाली, क्या वो उसने ऐसा नहीं किया था? आप कई बार बोलते हो तो दिस इज द इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब आप सिर्फ नेगेटिव बनाना हो तो ऐसे बोल सकते हैं, He was not going to school. वह स्कूल नहीं जा रहा था। ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा रहा था। तो दिस इज यूर नेगेटिव सेंटेंस। तो दीज आर द फोर सब टाइप्स ऑफ द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, एज लाइक द एवरी टेंस देर आर फोर सब टाइप्स ऑफ टेंसेस। ठीक है, जैसे फर्स्ट इज द पास्ट का, आपने फर्स्ट सिंपल पास्ट पढ़ लिया, पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ लिया। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये आपका हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें जो भी चीज़ें हमने पढ़ी, आप ध्यान रखना रूल को, किस तरह से सेंटेंस फॉर्मेशन होती है, सब्जेक्ट बा वॉज वर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ही शीट के साथ हम वॉज लगाएंगे और वर जो है वो दैट विल कम विद द प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और ये दिस वन इज द इंटेरोगेटिव, दिस वन इज द इंटेरोगेटिव नेगेटिव, एंड दिस इज द नेगेटिव सेंटेंस एंड दिस वन इज द पॉजिटिव सेंटेंस। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द वॉट इज द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और इस किस तरह से रूल है और क्या आएगा। और पास्ट कंटिन्यूअस में वो वाले एक्शन आएंगे जो पास्ट में हो रहे थे और पास्ट में ही खत्म हो चुके हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।